महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन। चंद्रशेखर वेंकटरमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के अय्यनपेटाय गांव में हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर भौतिक विज्ञान के टीचर थे। माँ का नाम पार्वती अम्मल था। रमन बचपन से ही बहुत प्रभावशाली थे। वे पढ़ाई में इतने होशियार थे कि क्लास में ऐसे प्रश्न पूछा करते कि अक्सर उनके टीचर हैरान हो जाते थे। रमन 3 वर्ष के थे तो उनके पिता की नियुक्ति विशाखापट्टनम के एवीएन कॉलेज में गणित व भौतिकी के अध्यापक पद पर हो गई। उनका परिवार विशाखापट्टनम में ही रहने लगा। जब रमन प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे तो अंग्रेजी पढ़ने आई टीचर ईएच एलियट को उन्हें देखकर हैरानी हुई। छोटे कद के इस दुबले पतले विद्यार्थी को देखकर उन्हें लगा शायद किसी छोटी क्लास का बच्चा भूल से उनकी क्लास में आकर बैठ गया है। शरीर तो उनका बहुत दुबला पतला था किंतु बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। उन्होंने केवल 13 वर्ष की अवस्था में ही इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वे 1903 में चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रविष्ट हुए और अपनी प्रखर प्रतिभा के कारण थोड़े ही दिनों में शिक्षकों के स्नेह पात्र हो गए। विद्यार्थी जीवन से ही रमन बेहद जिज्ञासु थे। केवल 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने भौतिक विज्ञान में प्रकाश के गुणों से संबंधित नई खोज कर ली थी। रमन ने उसे लंदन से प्रकाशित होने वाली फिलोसॉफिकल मैगजीन में भेजा। मैगजीन में उस लेख के छपते ही रमन की कीर्ति चारों ओर फैल गई। एमएससी की परीक्षा में रमन मद्रास विश्वविद्यालय में गणित में सर्वप्रथम आए। इस कारण उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति देकर विलायत भेजने की व्यवस्था हुई। किंतु अस्वस्थता के कारण डॉक्टर ने उन्हें विलायत जाने की स्वीकृति नहीं दी। सन 1921 में शिकागो में होने वाली विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस में रमन को कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया। वहां रमन को कई बड़े वैज्ञानिकों से मिलने का मौका मिला। कोलकाता लौटते समय रमन का ध्यान भूमध्य सागर के नीले रंग की ओर गया। बचपन से ही वे सोचा करते थे, आकाश और समुद्र के पानी का रंग इस तरह नीला क्यों है? उन्होंने उसी समय प्रिज्म निकाला और उसमें से झांक कर देखा तो उनके मुंह से निकला, अरे समुद्र का रंग तो अब भी नीला दिखाई दे रहा है, यानी यह आसमान का प्रभाव नहीं है, यह नीलिमा तो पानी के भीतर से ही आ रही है। प्रोफेसर रमन की आरंभ से ध्वनि के संबंध में रुचि थी और उन्होंने इस संबंध में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें की। इन खोजों ने इनका नाम वैज्ञानिक जगत में उज्ज्वल किया। सन 1923 में इन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य नियुक्त किया गया, जो बड़ी ही प्रतिष्ठा की बात थी। सन 1928 में रमन ने प्रकाश के विकिरण के संबंध में खोज की, जो एक महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। इसे रमन प्रभाव कहते हैं। इस खोज में बताया गया है कि जब एक रंगी प्रकाश की किरण किसी पारदर्शक पदार्थ में से गुजरती है तब उस किरण का कुछ भाग रास्ते में फैल जाता है। इस कारण यह दूसरा रंग प्रारंभिक रंग से भिन्न होता है। उन्होंने इस संबंध में अपना लेख नेचर मैगजीन में भेजा। इस लेख के छपते ही दुनिया भर में रमन की इस खोज की धूम मच गई। इसी पर सन 1930 में उन्हें विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार मिला। सन 1954 में भारत के इस महान वैज्ञानिक को भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया। इस महान वैज्ञानिक का देहांत 21 नवंबर
1970 को 82 वर्ष की अवस्था में हो गया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, सच्चा वैज्ञानिक देश, राष्ट्र और जाति की समस्याओं से बंधा नहीं होता। वह अपनी वैज्ञानिक खोजों से मानव मात्र का कल्याण करना चाहता है।